छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ हमारे साथ हैं, सभा करके निकले हैं। क्या कह रहे हैं सर लोगों से, जीत के लिए क्यों आपको वोट दें? जो विकास यहाँ हुआ है पिछले 44 सालों में उस विषय पे हम वोट मांग रहे हैं। सब जानते हैं कि कितना विकास हुआ है यहाँ। जब कमलनाथ जी पहली बार आए थे 2000 गांव में से केवल 400 गांव में बिजली थी, यहाँ कोई सड़क नहीं थी। यहाँ जिले में 6,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी है। जैसे कि मैंने अपने उद्बोधन में कहा है, छिंदवाड़ा पूरे देश में एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहाँ 8-8 केंद्रीय विद्यालय है। तो बहुत विकास हुआ है। और विकास बीजेपी की जो रणनीति यहाँ पर दिख रही है आपके खिलाफ लड़ने की, वो ये है कि आपकी कुछ कमजोरियों को हाईलाइट किया जाए। वो ये कह रहे हैं बंटी साहू कि आपने आदिवासियों का अपमान किया है, उन्हें गद्दार आदि कहा है। मैंने, आपने मेरा उद्बोधन सुना, अगर अपमानित आदिवासियों को कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप ही के न्यूज़ चैनल बताते हैं कि सीधी में क्या हुआ, बैतूल में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ। मैं कहाँ से आदिवासियों का अपमान करता हूँ? मैंने तो हमेशा आदिवासियों का सम्मान किया है। उनकी रणनीति आपको बदनाम करने की, आपकी रणनीति क्या है, कांग्रेस की क्या रणनीति है जीतने की? हम तो विकास के मुद्दे पे बात करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे। रविकांत, एबीपी न्यूज़, छिंदवाड़ा।